हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मंगुकिया, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम ऑर्किड हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर सूरत। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज में। और आज मैं बात करने वाली हूँ अबाउट एम्ब्रियो फ्रीजिंग। काफ़ी पेशेंट जो रहते हैं जिनका आईवीएफ साइकिल स्टार्ट होता है, तो उनको क्वेरीज रहती है कि मैम एम्ब्रियो फ्रीजिंग क्या होता है, ओसाइट फ्रीजिंग क्या होता है, स्पर्म फ्रीजिंग क्या होता है। सो पहले मेरे जो वीडियोस हैं उसमें मैंने ओसाइट फ्रीजिंग और स्पर्म फ्रीजिंग के बारे में डिटेल में बात की है, और आज मैं बात करने वाली हूँ अबाउट एम्ब्रियो फ्रीजिंग। तो पहले तो एम्ब्रियो फ्रीजिंग का प्रोसेस किसे कहते हैं, कौन से पेशेंट में एम्ब्रियो फ्रीजिंग की आवश्यकता होती है, और एम्ब्रियो फ्रीजिंग की प्रोसीजर कैसे होती है, और उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। सो पहले मैं बताना चाहती हूँ कि एम्ब्रियो का मीनिंग क्या होता है। जैसे आईवीएफ प्रोसेस में जो फीमेल पार्टनर है उसको इंजेक्शंस दिए जाते हैं, एग्स वगैरह उनके मैच्योर होते हैं, उसको रिट्राइव करते हैं, हस्बैंड जो है उनका सीमन सैंपल लिया जाता है, एग और स्पर्म को मिला के आइदर आईवीएफ या तो ICSI की प्रोसीजर होती है, और इसमें से जो एम्ब्रियोज डेवलप होते हैं आइदर थर्ड डे या तो फिफ्थ डे के जो एम्ब्रियोज होते हैं उसे फ्रीजिंग किया जाता है। तो यह जो एम्ब्रियो है अगर हम उसे फ्रेशली ट्रांसफ़र कर देते हैं तो उसे फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कहा जाता है, यदि उसको फ्रीजिंग कर देते हैं तो उसको फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की प्रोसेस कहा जाता है। सो अभी कौन से पेशेंट में एम्ब्रियो फ्रीजिंग रिक्वायर्ड होता है या तो होना चाहिए या करना चाहिए। तो यदि कोई कपल है कि जिनको यंग एज में अपने जैसे करियर ओरिएंटेड है और प्रेगनेंसी अभी नहीं रखना है, तो उनके हम लोग एग भी फ्रीज कर सकते हैं। यदि उनकी इच्छा है कि एम्ब्रियोज बना के उसको फ्रीजिंग करना है तो वह भी हम कर सकते हैं। जैसे हमारे हॉस्पिटल में बाहर से जो पेशेंट्स आते हैं आउट ऑफ स्टेशन से, आउट ऑफ सिटी से या आउट ऑफ स्टेट से, कि उनको वेकेशन का टाइम है, छुट्टियां कम मिल रही है, वह समय पर आके उनको एम्ब्रियो फ्रीजिंग करवा देना है। नेक्स्ट टाइम जब भी उनको वेकेशन प्लान होता है या उनकी छुट्टियाँ वगैरह प्लान होती है, वह समय पर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की प्रोसीजर करवानी है। तो ऐसे पेशेंट के लिए भी यह एक बून है एम्ब्रियो फ्रीजिंग की प्रोसेस। दूसरे जो पेशेंट्स हैं कि जिनको कीमोथेरेपी या तो एंडोमेट्रियोसिस, ग्रेड 4 एंडोमेट्रियोसिस है, उनकी कोई भी सर्जरी हम प्लान करते हैं, चॉकलेट सिस्ट वगैरह है, सो जनरली हम ऐसा करते हैं कि उनकी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के पहले उनके जो एग्स हैं वह रिट्राइव कर लेते हैं, उसमें से आइदर ओसाइट फ्रीजिंग कर सकते हैं या तो एम्ब्रियो फ्रीजिंग कर देते हैं, बाद में उनकी सर्जरी होती है और उसके बाद उनका फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का प्रोसेस होता है। सो यह सारे इंडिकेशन है एम्ब्रियो फ्रीजिंग के। दूसरे जो पेशेंट है, जैसे जनरली आईवीएफ में हम काफ़ी पेशेंट देखते हैं सीवियर पीसीओडी वाले पेशेंट, तो सीवियर पीसीओडी अगर है तो इसमें नंबर ऑफ एग्स जो रिट्राइव करते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसे पेशेंट में ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम, जिसे हम OHSS कहते हैं, पेट में पानी भरने की संभावना ज़्यादा होती है, तो और या तो उनका जो ईस्ट्रोडियोल लेवल रहता है मोर देन 3500 है, तो ऐसे सारे पेशेंट में पेट के भाग में, लंग्स में वगैरह पानी भरने की संभावना रहती है। कभी कभी सीवियर OHSS हो जाता है तो ऐसे पेशेंट को वेंटिलेटर वगैरह मशीन की भी आवश्यकता पड़ती है, पेशेंट को ICU में शिफ्ट करना पड़ता है। तो पहले हमारे पास यह जो विट्रिफिकेशन या तो एम्ब्रियो फ्रीजिंग की टेक्नोलॉजी नहीं थी, तभी काफ़ी सारे तकलीफ़ें आती थी जब ये पेशेंट OHSS में जाता है, प्लस पेशेंट कंसीव कर लेता है तो OHSS का जो रिस्क रहता है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। सो आई थिंक एम्ब्रियो फ्रीजिंग की जो टेक्नोलॉजी आई है यह बहुत ही एक वरदान रूप है जो पेशेंट है सीवियर PCOD वाले जो IVF करवाने जा रहे हैं उनके लिए भी। सो यह हो गए सारे इंडिकेशंस फॉर एम्ब्रियो फ्रीजिंग। अभी इसके प्रोसीजर कैसे की जाती है, सो दो प्रोसेस होती है, एक जो है उसे स्लो फ्रीजिंग टेक्निक कहते हैं और दूसरा जो है दैट इज़ अ विट्रिफिकेशन प्रोसेस। और बेसिकली फ्रीजिंग का मतलब क्या है, फ्रीजिंग मतलब जो भी सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और आउटर साइटोप्लाज्म होता है, तो जो भी
चीज़ में वाटर है, मतलब वह जो सेल है जहाँ पे वाटर है वह वाटर रिप्लेस हो जाता है विद द क्रायोप्रोटेक्टेंट, यानी कि वह सेल को डैमेज होने से बचाता है और उसको -180 डिग्री पे फ्रीज किया जाता है इन द लिक्विड नाइट्रोजन। तो लिक्विड नाइट्रोजन की जो टैंक होती है उसके अंदर वह एम्ब्रियो को फ्रोजन किया जाता है। सो आजकल हम जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं वह विट्रिफिकेशन प्रोसेस है, विच इज़ अ वेरी फास्ट प्रोसीजर फॉर द फ्रीजिंग, एंड इसमें जो सर्वाइवल रेट रहती है एम्ब्रियोज की वह भी काफ़ी अच्छी है, विट्रिफिकेशन के रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे आते हैं। एंड नाव डेज अभी हम जो प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं कि मैक्सिमम एम्ब्रियोज फ्रीजिंग करके फ्रोजन साइकिल में जो सक्सेस रेट जो है वह काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। सो एम्ब्रियो फ्रीजिंग की जो प्रोसेस है वह भी अभी आसान हो गई है, उसके लिए जो कल्चर मीडियाज़ वगैरह जो है वह भी अभी इजीली अवेलेबल है, और पेशेंट के लिए जो मैक्सिमम बेनिफिट है कि अगर हम फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं और फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं तो इसमें जो सक्सेस रेट है वह हमेशा फ्रोजन एम्ब्रियोज़ के ज़्यादा रहते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र नहीं करना है, जब भी ऐसा होता है कि एक या दो ही एम्ब्रियोज़ डेवलप हुए हैं तो ऐसे पेशेंट में एक्सेप्शनली हमको फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत पड़ सकती है। सो बाय एंड लार्ज अगर मोर देन 3 एम्ब्रियोज़ है डेवलप हो चुके हैं आइदर 3rd डे या तो 5th डे, सो नॉर्मली वी प्रिफर फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। सो फ्रेंड्स, अगर आपको इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है रिलेटेड टू IVF है या तो एनी टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू IVF, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और यदि आपको लगता है कि और कोई टॉपिक हम आपके समक्ष लेकर आए तो वह टॉपिक भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू फ्रेंड्स वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।